नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 और सीएचएसएल 2017 के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसकी क्या अपडेट है, क्या कुछ है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट केस थोड़ा सा लंबा चलता है और जैसे हमें पता है एक तारीख पे तारीख होती है, तो हम हर डेट को आपको अपडेटेड रखेंगे, नया वीडियो लाएंगे इसी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और केस से अप टू डेट रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और इसमें ये डायरी नंबर है अपने केस का 10013। तो जिन लोगों को भी नहीं पता उसके, उसको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ये दो एसएससी 2017 वाला सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मेंस का पेपर की बात है। मेनली मेंस का पेपर जब हुआ था तो इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स बाहर आ गए थे। ऑनलाइन पेपर है, कुछ भी लेके जाना अंदर अलाउड नहीं है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स बाहर आ गए थे। आपने देखा एसएससी ट्यूब पे कई स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए गए थे और उसके बाद में थोड़ा हंगामा हुआ, एक प्रोटेस्ट भी हुआ था फेब महीने में। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कई बच्चे चले गए थे और कोर्ट ने भी सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की थी। तो उस सीबीआई इंक्वायरी में अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कुछ उसकी फाइंडिंग्स है, सही में लीक हुआ है, नहीं लीक हुआ है। तो उस केस में सीबीआई ने ये फाइंड किया है कि उसमें मास लेवल पे चीटिंग हुई है काफ़ी, मतलब पेपर कॉम्प्रोमाइज था, पेपर जो जिसकी कस्टडी में था उसकी साइड से भी पेपर लीक हुआ है और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड कि मतलब कितने लोगों की इसका बेनिफिट हुआ है। तो इस 29 तारीख को जो केस की सुनवाई थी, उस दिन जजेस ने ये कहा कि क्यों ना, अभी उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया, उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है कि क्यों ना एसएससी सीजीएल 2017 को पूरा कैंसिल कर दिया जाए। उसमें गवर्नमेंट की व्यूज़ मांगे हैं। तो आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वो कैंसिल हो गया है, कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों ना इसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि फ़िल्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है, चीटर्स को सेपरेट करना मुश्किल है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट को इसमें जवाब फाइनल कर देना है कोर्ट को अगली तारीख को। अगली तारीख है 13 नवंबर 2018 को, वो गवर्नमेंट इसमें अपना जवाब फाइल करेगी, उसके बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसको कैंसिल करना है या नहीं करना। तो एक ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एसएससी खुद अपने से डिसीजन लेके और एक कुछ दिनों में नोटिस निकाल दे कि हाँ इसको ठीक है, मतलब एसएससी सीजीएल 2017 को हम कैंसिल कर रहे हैं और इसको नए सिरे से एग्ज़ाम करेंगे। ये सिर्फ मेंस की बात हो रही है, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो प्री को कैंसिल करें और पूरा मतलब हटाएं, सिर्फ ये मेंस को कैंसिल करेंगे क्योंकि वहाँ पे एविडेंस सिर्फ मेंस के हैं कि मेंस वाला पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, प्री के कोई एविडेंस नहीं है। तो ये तो कोर्ट केस की बात थी और ये आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, इसमें उसी केस की बात हो रही है। इसका नंबर है डायरी नंबर 10013। आप भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है नहीं, आराम से वेबसाइट खोलिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी है आप इस पे देख सकते हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था, ऑनरेबल कोर्ट इज़ इन फेवर ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ द एंटायर एग्ज़ाम प्रोसेस ऑफ सीजीएल 2017। ये प्रशांत भूषण जी बहुत जाने माने लॉयर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट में किया था कि ये तो सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट तो एक छोटा सा मतलब पार्ट ऑफ द स्टोरी है, इट्स नॉट द एंटायर स्टोरी, मतलब और भी आगे अगर जांच होगी इसकी तो पता चलेगा कि किस किस कौन कौन इस पे लिप्त हैं और क्या कुछ कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है और कब से ये चल रहा था, कौन कौन से एग्ज़ाम्स उसमें मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। जब डिटेल रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ डिसाइड होगा कि हाँ कौन कौन से पेपर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट स्टेटस रिपोर्ट से ये फाइनल हो गया कि एसएससी सीजीएल 2017 वो कॉम्प्रोमाइज था मेंस वाला एग्ज़ाम। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी थी एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के रिजल्ट पे और सीएचएसएल 2017 के बारे में, तो उसी की अभी बात चल रही है और उसी के रिगार्डिंग केस की सुनवाई थी। तो इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है, उस ट्वीट किए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट फेवर्स स्क्रैपिंग ऑफ एसएससी एग्ज़ाम ऑफ 2017 इन विच क्वेश्चन पेपर वर लीक्ड फॉर ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम्स कंडक्टेड इन द फेब दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है और ये द हिंदू टाइम्स का भी इन्होंने किया है कि सेम न्यूज़ छापी है वही, तो देख सकते हैं ये मीडिया लेवल पे भी काफ़ी आया है। और इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट ने दी है, जब गवर्नमेंट को इस पर जवाब फाइल करना है उसकी है 13 नवंबर 2018।
हम उस दिन भी आपको वीडियो लाके अपडेटेड रखेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे पाइए। हम वीडियो लेट इसलिए बना रहे हैं ताकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सके, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता है हमारा चैनल बिल्कुल नहीं देता। और अभी जैसे देखेंगे 2017 वाला अगर कैंसिल होता है तो आपका एसएससी सीजीएल 2018 मार्च तक पहुंच जाएगा कि मार्च में ही होगा, उससे पहले होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इनको एसएससी को पेपर नए वेंडर के थ्रू फिर सीजीएल का मेंस भी कराना पड़ेगा 17 वाला अगर कैंसिल होता है तो, जिसके 99% चांस है कि वो कैंसिल होगा। बट अभी तक न एसएससी ने न कोर्ट ने कोई ऐसा पास ऑर्डर नहीं किया कि वो कैंसिल होगा, ये जस्ट जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अप टू डेट रहिए, हम इस पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।